नमस्कार। देखिए, योग करते हैं और जब उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक होते हैं, तो बहुत सारा अच्छा मजा आता है, मुझे भी आता है और जो ठीक होते हैं उनको भी आता है। मैं एक बात आपको जरूर संदेश करूं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आके कुछ ट्रीटमेंट, अभी तो मेरे पास है भी नहीं कोई साधन, लेकिन जो योग की क्रियाएं बताता हूं वो पूर्ण होती हैं। वो अगर आप घर पे भी कर लेंगे ना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप घर पे भी कर लेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। एक छोटी सी बात, जो हमारे साथ यहाँ पर जो है भाई साहब आए हैं, मैडम आए हैं, आप चंडीगढ़ से आए हैं और चंडीगढ़ मतलब इतनी बड़ी सिटी है, वहाँ से चूरू मिलने के लिए आए, आप सालासर बालाजी गए थे तो यहाँ निकलते हुए हमारे असीम जी भाई साहब, असीम जी गुप्ता, उनके पास आए, उन्होंने मेरा परिचय दिया और यहाँ आ गए। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम जी, प्रणाम। मैं एस के बंसल, रिटायर्ड LIC डिजिटल मैनेजर हूँ और मैं पूर्व में यहाँ भी शाखा प्रबंधक रहा हूँ और मेरी अभी निवास जो है मेरा चंडीगढ़ में है। मेरी धर्मपत्नी गुरु जी के वीडियोस देखती है और मेरा बेटा भी कार्डिक सर्जन है, मेरी पुत्र वधु भी प्रोफेसर है PGI चंडीगढ़ में, और उसके बावजूद भी मिसेज क्या जो दर्द था वो काफ़ी दिनों तक रहा। हमने काफ़ी कंसल्टेशन इससे संबंधित डॉक्टर से की, परंतु गुरुजी का वीडियो देखा और गुरुजी का वीडियो देखने के पश्चात मिसेज ने लगभग कोई 4-5 दिन बाद इनके रिजल्ट जो है 90% ठीक हो गया। क्या हुआ? और ये मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ भी, जिस काम के लिए हम जगह जगह पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, मेडिकल साइंस क्योंकि बच्चे डॉक्टर हैं इसलिए कहाँ कहाँ, एम्स दिल्ली में, PGI चंडीगढ़ में कहाँ दिखाया, परंतु कोई रिलीफ नहीं हुआ। और गुरुजी के एक साधारण से योग से वो चीज़ 90% तक ठीक होगी और विद इन 3-4 डेज होगी। क्या बात है। अब मैं उस दर्द का परिचय दूंगा। देखिए, आपके जो मैडम के पैर में नीचे तलवे में यहाँ पर जो है ये फ्लैट फुट है और यहाँ पर दर्द था। अब देखिए, वैसे तो आम तौर पर अगर टेस्ट करवाएं तो फ्लैट फुट है तो दर्द होगा, लेकिन जिंदगी भर नहीं हुआ और 10 दिन में हो गया, ये क्या कारण? फिर इन्होंने जो है ये दर्द कैसे महसूस होता था आपको? चलते थे तब? चलती थी तो ऐसे सुइयां सी चुभती थी, जैसे ना पैर के अंदर से सुइयां चुभ रही हो मेरे। अच्छा। और बिल्कुल पैर नीचे रखा ही नहीं जाता था मेरे से। अब परेशानी महसूस होती होगी, बहुत ज्यादा दर्द होता था। अच्छा। लेकिन मैंने आपकी जो ये पॉइंट्स दबाने वाली जो क्रिया है ओनली 5 दिन की, 5 दिन के बाद मेरे को 50% से भी ज्यादा रिलीफ मिल गया। और 10 दिन के बाद तो मुझे ऐसे लग रहा था मेरा दर्द कभी था ही नहीं। अच्छा, इसके लिए आपने जैसे भाई डॉक्टर साहब भी बताते ही हैं, लेकिन अब यहाँ कुछ समझने वाली चीज भी नहीं है, दर्द होगा किस चीज का? हाँ जी, तो अब ये जो आपने पॉइंट दबाए अंगूठे से, जो मैंने 5 जगह की बताई थी, अंगूठे और अंगुली, वही दबाए? हाँ जी, वही दबाए, सिर्फ पैर के ही दबाए, मैंने हाथ के तो दबाए ही नहीं थे। और मैंने फिजियोथेरेपी भी करवाई थी, 1 महीना करीब मैंने फिजियोथेरेपी कराई, पर 1% भी दर्द में रिलीफ नहीं था, मैंने फिजियोथेरेपी छोड़ दी, फिर मैंने करवाई नहीं। तो आपने जैसे एक्सपर्ट तो आप है नहीं, तो वीडियो में कैसे समझ में आया अंगूठे से दबाना है, कैसे दबाया? आपकी वीडियो 2-3 बार देखी, फिर ऐसे ही अंगूठे से ही जितना मेरे से दबा उतना मैंने कर लिया, लेकिन उससे ही मुझे बहुत रिलीफ मिला। तो मैंने कहा ठीक है, फिर ज्यादा तो इसी से ही मिल रहा है रिलीफ, तो फिर ठीक है। और अब आपसे, अब आज आपसे मिलने का मौका मिला, तो ये मौका तो छोड़ेंगे नहीं, आज आपसे जरूर मिलकर जाएंगे पक्का। अच्छा, मतलब आपकी भरपूर इच्छा थी मिलने की। बिल्कुल बिल्कुल, और बालाजी ने इच्छा पूरी कर दी मेरी, आपसे मिलना हो गया। असीम भैया मिल गए, बोले मैं जानता हूँ, मैंने गूगल वगैरह पे आपके नंबर बहुत ट्राई किया, मिला नहीं फोन नंबर वगैरह, तो यहाँ आए हम चूरू, तो असीम से मैंने पूछा तो असीम ने कहा कि मैं जानता हूँ, बस फिर बालाजी की इच्छा थी कि आपसे मिले। चलिए, बहुत धन्यवाद। और मैं ये धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने तो देखिए छोटी सी क्रिया बताई, आपने समर्पण भाव से किया और आपको ठीक लगा, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी जो आपको पैर में है, चलने फिरने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, वैसे अब वो प्रॉब्लम मेरी नहीं है, वो पैर की नहीं है। नहीं, जी, तो यही बात है। और पिंडलियां वैसे इनकी टाइट रहती है, वो मैंने बताया है, जो लेट के मॉर्निंग वॉक है, बैठ के कदम ताल है, ये चीजें पिंडलियों को नरम करती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि मेरी बातें कोई बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी बातें होती है, और छोटी बात का लेकिन 100% जब फायदा मिलता है तो अच्छा लगता है। तो आप इतनी दूर से हमारे पास आए हैं, हाँ योगाश्रम में आए हैं, या अभी तो देखिए लू चल रही है, फिर भी आप इतने स्नेह से आए हैं, बहुत अच्छा लगा है हमें। कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों? तो ये संदेश देना चाहूंगा कि ईश्वर करे आपका जल्दी से एक योग धाम बने और निरोग योग लोग वाग इसके फायदा उठाने के लिए दूर दूर से आए, और आपके द्वारा बताए गए सूक्ष्म उपाय जो हैं वो बहुत ही कारगर हैं और इस उपायों का लाभ आम जनता को मिले, इसलिए हमारी ईश्वर से कामना है कि आपका ये योग सेंटर बहुत जल्दी से डेवलप हो और ये
पूरा लोग वाग इस अपने उपचार के लिए एक सही अच्छे वातावरण में निवास के लिए यहाँ लोग पधारे, हमारी शुभकामनाएं और जल्दी से आप इसमें कामयाब हो, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।